नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप ये CSS के वीडियो सीरीज देख रहे हैं। इसमें आपको हम लेंथ एंड मेजरमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि हम CSS में हाइट और विथ किस तरीके से कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमने आपको बता दें कि इसको हमने सेव किया है, इसको हमने सेकेंड क्लास में, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमने एक लाइब्रेरी के अंदर CSS का लाइब्रेरी बनाया जिसमें सेकेंड क्लास के अंदर index.html नाम से इस फाइल को सेव किया है और my.css नाम से ही यहाँ पे CSS की कैस्कोडिंग स्टाइल से की भी फाइल बनाया और इसको लिंक करा लिया है। ठीक है, तो हम कैसे हम विथ और हाइट डिसाइड करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक div लेते हैं एंड इसमें हम क्लास लेते हैं। ठीक है, हम क्लास के बारे में आपको पहले बाद में बताएंगे और अच्छे से, अभी फ़िलहाल हम लोग विथ और हाइट जानने के लिए क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम एक क्लास लेते हैं जिसका नाम देते हैं div वन। ठीक है, div के अंदर हम एक क्लास लिए जिसका नाम लिए div वन, इसको सेव किया और CSS में div वन, अच्छा क्लास को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। ठीक है, डॉट div1 यानी ये समझ जाएगा कि ये इसकी क्लास है। ठीक है, जहाँ पे भी क्लास div1 होगा वो ले लेगा क्योंकि डॉट का मतलब होता है क्लास। ठीक है, हम आगे बताएंगे। ठीक है कि क्लास कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं और आईडी कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, टैग से कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हमने div1 में हमने हाइट दे दिया, सॉरी विथ पहले देते हैं विथ। अब विथ और हाइट किस किस तरीके से डिसाइड होगा हमारा हाइट, हमारा हाइट डिसाइड हो रहा है। देखिए, हाइट और विथ डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम रेड देते हैं। ठीक है, हम हाइट विथ किस किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, हम इंच से, ठीक है, इंच डिसाइड कर सकते हैं, वन इंच। ठीक है, हम क्या क्या दे सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ वन इंच दिया। ठीक है, और इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा, ये देखिए, ये वन इंच विथ एंड वन इंच हाइट ले लिया हमारा। ठीक है, अब हम क्या क्या दे सकते हैं, इसको ज़रा हम ऐसे कर लेते हैं एंड हम एक बनाते हैं div 2 एंड नाउ इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। div 2 में अभी हमने इंच देखा, अब हम सेंटीमीटर देखेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, ग्रीन रख देते हैं एंड का ऑप्शन देखिए, देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का विथ एंड 1 सेंटीमीटर का हाइट भी आ गया। ठीक है, और तीसरा हम लोग आते हैं, देखते हैं ज़रा, तीसरे में तीसरा विथ और हाइट किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वो हुआ हमारा मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर से भी छोटा अमाउंट। ठीक है, एंड इसको हम लोग ज़रा देखें तो आपको दिखेगा, यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करते हैं ज़रा रेड, आपको दिखेगा यहाँ पे छोटा सा रेड कलर का 1 मिलीमीटर का विथ और 1 मिलीमीटर का हाइट दिखा रहा है यहाँ पे। एंड अब आते हैं हम ज़रा फोर्थ डिव पे एंड इसमें भी हम डिसाइड कर देते हैं फोर्थ, सो फोर्थ में हम, अब हमारे पास आता है मिलीमीटर का, आ जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स हम ले लेते हैं ज़रा, वन पॉइंट्स इसको सेव किया और ग्रीन, इसमें हम ग्रीन दिया। पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ हमारा कि अब ये देखिए एक पॉइंट आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वन पॉइंट्स। ठीक है, हमारा ये पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे,
शो। अब आगे चलते हैं जरा, पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं विथ हाइट में। फिफ्थ, फिफ्थ में हम देखते हैं पॉइंट्स हो गया, अब क्या बचा है, अब पिस, हाँ वन पिस, वन पीस बराबर आपका होता है 12 पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको हमने सेव किया और ये देखिए ये 12 पॉइंट्स यानी वन पीस बराबर 12 पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा 12 पॉइंट्स में, इसका इधर भी वन पीस है और इधर भी वन पीस। ठीक है, तो ये पीसेस हो गया। अब क्या बचा है हमारा, पिक्सल। यस, ये इम्पोर्टेंट है, पिक्सल पिक्सल। ये हुआ हमारा सिक्स, एंड पिक्सल बेस पे सब लोग ज़्यादातर वर्क करते हैं। सो हम यहाँ पे सिक्स, एंड पिक्सल में हम दे देंगे पीएक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पिक्सल लेगा सबसे छोटी अमाउंट। ठीक है, इसको इसको ग्रीन है, इसको हम करते हैं रेड, और इसको ग्रीन ही रहने देते हैं। सेव सेव, नाउ आप देखेंगे कि कितनी छोटी अमाउंट है यहाँ पे। अब इसको जूम करते हैं और ये देखिए बहुत ही छोटी अमाउंट है यहाँ पे, एक पॉइंट्स, अरे सॉरी एक पिक्सल, यानी हमारा जितने भी रिजोल्यूशन है उसमें उसका एक पिक्सल है। ठीक है, तो ये हमारा पिक्सल बेस हो गया, सबसे छोटी अमाउंट है ये हमारी। अब आते हैं हम, ज़रा देखते हैं कि ये तो हमारा हुआ स्टैटिक वर्क। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्क आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्क में हमारा ये सब चीज़ आते हैं। ठीक है, सो अब परसेंटेज भी यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में ज़रा हम देखते हैं। हम यहाँ पे सातवां ले लेते हैं डिव, और परसेंटेज खासकर हमारा विथ लेता है, हाइट तो नहीं लेता है, लेकिन हमने हाइट को भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जितना रेजुलेशन की हाइट होगी, ठीक है, हमारी स्क्रीन की जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से लेगा। हम यहाँ पे 1% डालते हैं ना, 1% और 1%, 1%। तो ये 1% ले किसके आधार पर आया, इसको सेव नहीं किया हमने लग रहा है, सेव। यस, ये देखिए, और इसका कलर रेड करते हैं हम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1% जो ले रहा है हमारे पूरे इस विथ के अकॉर्डिंग ले रहा है, और हमारा जो बाय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन की हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये 1% ले रहा है। पर ये डायनेमिकली चेंज होता है, जैसे कि हम यहाँ 25% ले लेते हैं, 25%, 25%। तो ये हमारा इस विथ की 25% ले रहा है। ठीक है, विथ के हम खासकर बात करेंगे, इसमें हाइट की बात नहीं कर रहे हम लोग। हाइट हम यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं, हम 25 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, हम 25 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, सो हम विथ की बात कर रहे हैं खासकर। तो ये यहाँ पे जो विथ ले रहा है हमारा, वो इस हाइट के अकॉर्डिंग ले रहा है, विथ के अकॉर्डिंग ले रहा है, सॉरी हमारे जो स्क्रीन की विथ है उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज में। तो इस विथ का 25%, ठीक है, इस विथ का 50%, देखिए इस विथ का पूरा 50%। ठीक है, अब अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये जैसे जैसे छोटा होगा, जैसे हमने यहाँ से छोटा कर रहे हैं, वो अपने विथ का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ये 50% लेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये भी 50% ये लेता जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परसेंटेज। तो हम हाइट और विथ किस किस में दे सकते हैं, इंच में दे सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, पॉइंट्स, पिक्सल्स, ठीक है, एंड परसेंटेज में। ठीक है, हम इतना चीज़ में इसको दे सकते हैं। तो आपको खासकर इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में छोड़िए। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।